तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंटों का भी एडमिट कार्ड आ गया है उनका IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये अपडेट क्या है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपका सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, देन में इसमें लिखा गया है कि भाई लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, देन इसके बाद इसमें एक नोटिस आया फॉर रिटर्न टेस्ट पाइपलाइन डिवीजन, ठीक है। तो ये जो नोटिस है इसको मैं अगर बताऊंगा तो आपको, तो इसमें जो दिया गया है फ्रेंड्स के जो जितने भी अभी एडमिट कार्ड आए हैं, ठीक है, जिस रीज़न से जिस स्टूडेंटों ने अप्लाई किया, तो उनका इसमें दिखाया गया है कि भाई आपका किस जगह पर जो है रिटर्न टेस्ट रहने वाला है, वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट, ठीक है। तो इसमें उन स्टूडेंटों का बताया गया है भाई जिन्होंने भी जिस रीज़न से अप्लाई किया है, उनका सबका जो है इसमें बताया गया है भाई अलग अलग रीज़न में किसका कहाँ सेंटर मिला गया है, किसका जो है कहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर वेन्यू बताया गया है। तो इसमें ये चीज़ जो है आपको बताई गई है, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वॉच कर लेना। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और अपडेट आया है तो उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन डिवीजन, नॉर्थन रीजन पाइपलाइन डिवीजन, साउथ रीजन पाइपलाइन डिवीजन और साउथर्न रीजन पाइपलाइन डिवीजन, तो इन जिस डिवीज़न में भी स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिन जिनके एडमिट कार्ड आए हैं उनको, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो इसमें सारा कुछ बताया गया है भाई, कितने स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है, कितने जो है एग्ज़ाम देने बैठेंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न रीजन का आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, जो ईस्टर्न रीजन का अपडेट निकल के आया है उसमें कितने स्टूडेंटों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है तो वो मैं आपसे जो है बताऊँगा। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंटों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, अलग अलग जो है ब्रांचेस अलग अलग ट्रेड के बारे में इसमें बताया गया है। तो काफी लंबी लिस्ट है फ्रेंड्स, आपने जिस रीजन से भी अप्लाई किया है आप उस रीजन का PDF डाउनलोड करके जो है अपने देख लोगे कि भाई आपकी ब्रांचेस में कितने फॉर्म फिल हुए हैं और कितने स्टूडेंटों ने जो है आपकी ब्रांचेस में अप्लाई किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, अलग अलग रीज़न की अलग अलग लिस्ट आई है और इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर जो है IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी लिस्ट जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे तो आपको अपने ही रीज़न की लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपने जिस रीज़न से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जहाँ भी आपने जिस रीज़न से भी अप्लाई किया है आपको वो रीज़न की लिस्ट डाउनलोड करके और अपना जो है सारा कुछ देखना है कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने यहां पर अप्लाई किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है IOCL से निकल कर आया था। आगे जो भी अपडेट आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।